नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व झामुमो के जिला अध्यक्ष सुखराम उराव क्षेत्र भ्रमण के दौरान चक्रधरपुर प्रखंड के इटोर पंचायत के मानीसाई एवं उलीबेड़ा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मिले, बैठक की और समस्याओं से अवगत हुए। अब खबर विस्तार से। गुरुवार को चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व झामुमो के जिला अध्यक्ष सुखराम उराव क्षेत्र भ्रमण के दौरान इटोर पंचायत के मानीसाई एवं उलीबेड़ा गांव पहुंचे और ग्रामीणों के संग बैठक की। इस दौरान ग्रामीणों से उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। विधायक सुखराम उराव ने चक्रधरपुर प्रखंड के इटोर पंचायत के अंतर्गत मानीसाई एवं उलीबेड़ा के ग्रामीणों के साथ बैठक के दौरान ग्रामीणों ने एक आरसीसी पुल और एक सड़क निर्माण करने की मांग रखी। विधायक सुखराम उराव ने कहा कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें और पुल पुलिया के निर्माण में लगातार कार्य जारी है। कई महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है और कई पुल निर्माण की स्वीकृति भी मिलने वाली है। विधायक सुखराम उराव ने यह भी कहा कि NH-75E उलीडी से चैनपुर होते हुए चार मोड़ पथ की स्वीकृति मिल चुकी है। यह पथ निर्माण विभाग की ओर से बनेगी। विधायक श्री उराव ने कहा कि चंद्री में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना भी स्वीकृति हुई है, लोगों को इसका भी लाभ मिलेगा। विधायक के साथ दौरे में झामुमो जिला सह सचिव सह चक्रधरपुर प्रखंड उप प्रमुख विनय प्रधान भी मौजूद थे। वे भी स्थानीय समस्याओं से अवगत हुए और कहा कि विधायक सुखराम उराव के प्रयास से लगातार कार्य हो रहा है। मौके पर मुंडा शंकर बोदरा वार्ड सदस्य सीनू बोदरा, बुढ़न सिंह बोदरा, राम बोदरा, जापानी सुंडी, प्रदीप मेहतो, हरीश होनहागा, अमर सिंह बोदरा, दिलीप बोदरा सहित भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल रहे।